जब हम इस अमर उजाला के इस खबरों के खिलाड़ी में बैठे हैं तब तो संसद लगभग चल रहा है अब इनके स्टॉल करने से चूंकि विपक्ष ही साथ नहीं है प्राइवेट मेंबर बिल भी आ रहे हैं शून्यकाल भी है और प्रश्नकाल चल रहा है मोटा मोटी थोड़ी बहुत बाधित हो रही है पहले सप्ताह में जरूर उनसठ मिनट चला था वो हुआ था तो अगर जो एक फिल्म आई थी गदर उसमें एक कलाकार था जो आज़ादी हो गई पाकिस्तान बट गया वो पाकिस्तान में चला गया लेकिन उसका दिमाग 1942 के क्रांति के समय ही रहता था तो गाँव वहाँ आप देखेंगे उसमें कि वो गांधी जी जिंदाबाद अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाता है पाकिस्तान का उसका परिवार मुंह बंद कर करके कर छोड़ता है तो किसी का दिमाग अगर पीछे अटका हुआ है मैंने देश के इतने बड़े नेता देश में सबसे समय तक शासन करने वाली पार्टी मतलब इस समय विपक्ष के नेता भाजपा के बाद आज भी दूसरा सबसे बड़ा दल जिसमें एक से एक अनुभवी लोग हैं अगर इस प्रकार की भूमिका निभाए और पूर्णिमा त्रिपाठी जी की मैं बात मान लूं कि वो भाजपा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो भाजपा ने तो राम मंदिर बनवाया मस्जिद मंदिर विवाद में मंदिरों का समर्थन कर रही है तो वो भी करके देख लेते ना भाजपा भाजपा बहुत सारा काम की तो वो क्यों नहीं करते हैं अगर भाजपा का केवल संसद में ही नकल करना है और भाजपा उनके लिए आदर्श हो गई है और उन जेटली जी के एक लेख को कोट किया जाता है आदर्श हो गई है तो फिर भाजपा के पद चिन्हों पर चले देखिए दुनिया कभी रुकती नहीं है मैं आपके चैनल पर पता नहीं ये खबर आई है कि नहीं है आज भारत के लिए विश्व गुरु की दिशा के दूसरा इतना बड़ा कदम उठा है दुनिया के स्तर पर जो इस देश को गर्व होना चाहिए और उस पर संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए भारत ने योग दिवस के बाद कल रात संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराया है एक देशों ने उसका समर्थन किया है जबकि योग दिवस को एक देशों ने समर्थन किया भारत ने छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर एक लाया, आपने पीछे हटा श्रीलंका मेक्सिको, होंडुरास, ऐसे ऐसे देशों के साथ नेपाल के साथ और यही होता है विश्वगुरु कहा नहीं जाता है जो हमारा भारत की सभ्यता संस्कृति है जिसमें मनुष्य का कल्याण हो सकता है आप संयुक्त राष्ट्र संघ का उसमें बयान देखेंगे तो पढ़ेंगे तो क्यों संसद इस पर विशेष रूप से नहीं बुलाना चाहिए कि भारत के इस विषय को जो कि आज दुनिया के अनेक समस्याओं का समाधान है योग और ध्यान में और 21 दिसंबर को हर वर्ष जो है ये ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा आप जानते हैं इक्कीस जून के बाद छह महीने पर आता है जिसको कि शीत की संक्रांति मानी जाती है उस दिवस को जो ध्यान और योग के लिए महत्वपूर्ण दिवस है तो देश नहीं रुक रहा है जो लोग सोचते हैं कि अडानी ने घूस लिया है नहीं लिया है हम और आप तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे लेकिन भारत के राज्यों में घूस ली गई उसकी चिंता अमेरिका के कुछ लोगों को हो गई और उनका तर्क यह है और जज साहब पर जो हम बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क के न्यायालय में उनका मानना है कि नहीं 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 हमारे यहाँ तो चूंकि उसकी कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में यहाँ जो पैसा गया होगा उसका जरूर हिस्सा घूस में लगा होगा तो अमेरिकी कानून के अनुसार हमारे यहाँ के किसी का निवेश अगर अवैध रूप से खर्च होता है तो उस पर केस चलना चाहिए अरे भाई तो राहुल गांधी जी जो संसद को नहीं चल मैं तो कह रहा हूं कि भाई उसमें तेलंगाना है ना तो तेलंगाना में एक एफ आई आर दर्ज करा देना गौतम अडानी के नाम पर और उसके भतीजे के नाम पर और वही जांच करा ले अपने आप संसद में बाकी विपक्ष का भी साथ मिल जाएगा तमिलनाडु का नाम है उसमें तमिलनाडु में करा ले ग्रीन एनर्जी उसकी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जिसको लेके एच पावर जो अमेरिका में लिस्टेड उसको लेके जो चर्चा चल रही है और अब विपक्ष तो कट गया ना भाई ममता बनर्जी उसमें है नहीं समाजवादी पार्टी अब उसमें दिखती नहीं है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसमें है नहीं जब ये जिसके अब चर्चा की धारा जब ये गए थे और पिटारा खोला था कि धारावी अडानी तो दो दिन बाद ही तो शरद पवार जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे अडानी का लेते रहते हैं धारावी में तो अडानी इंटरेस्टेड ही नहीं था मैं क्या जानूँ मुझे तो नहीं मालूम है उनका बयान है ये और अगर नहीं देते तो यूनाइटेड अरब अमीरात के लोगों को दे देते तो अब अगर आपको यही लगता है तो आप करते रहिए और जो सवाल आए हैं उसका उत्तर भी दे मैं ये नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी कोई देशद्रोही है या उनके साथ जितने सांसद खड़े हुए देशद्रोही हैं लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है अमेरिका में जिसकी भारत के में के, अडानी ग्रुप में इतना इंटरेस्ट है कि हर चीज में वो पीछे ला करके और इस बार तो शेयर मार्केट भी नहीं डोला देश में उथल पुथल भी नहीं एक दिन में देश संभल गया है तो वो भी नहीं चल रहा है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संसद तो अब चलेगा रहा है सरकार को सबसे ज्यादा छूट मिल जाती है आप अगर नारा बाहर लगाते रहेंगे जाएंगे ही नहीं घेरेंगे ही नहीं एक से एक इशू है बोफोर्स के समय की लोग चर्चा करते हैं पंद्रह नेता लोकसभा में विपक्ष के जीत के आए थे टेन प्लस टू प्लस थ्री का बात होता था रामकिरपाल जी को अगर याद हो तो देश दस दम कि था दो जो है बीजेपी थी तीन सीपीएम शायद था तीन पंद्रह लोग थे लेकिन बफोर्स में उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी से काम किया था आज दो सौ चालीस को आप इतना कातर हो जाए कि दो सौ तिरानवे के लिए आपको बाहर नारा लगाना पड़ रहा है तो तो ये तो आपकी रणनीति का आपकी समझ का आपकी दिशाहीनता का आपकी विचारहीनता का आपकी दुर्बलता का और अपनी राजनीति और भविष्य के बदले हुए भारत को न समझने का ये परिणाम है अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद